हेलो स्टूडेंट, मैं आज आपको अपने एक ऑनलाइन स्टूडेंट से मिलवाता हूं जिसने ऑनलाइन कोर्स लिया है। आप लोग हमेशा बोलते हैं कि सर ऑनलाइन स्टूडेंट से, और लास्ट ईयर भी मैंने आपको याद हो मिलवाया था, और उन सब बच्चों के आपने एक बात नोटिस की होगी कि बहुत अच्छा रिजल्ट आया और उनके मैंने सिलेक्शन के बाद भी सेशन कंडक्ट करें। ऐसे ही आप इस बार, क्योंकि हमने एक चीज और रखी कि ऑनलाइन कोर्स में परफॉर्मेंस कैसे बढ़े, क्योंकि जो लास्ट ईयर बच्चों ने ऑनलाइन कोर्स लिया था, उन्होंने जब वो यहाँ आके क्लास आए थे तो उनका जो एक्सपीरियंस ये था कि सर क्लासरूम में और घर पे जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे को घर पे 4 घंटे पढ़ के भी लगता है बहुत पढ़ लिया, पर जब क्लासरूम में आते हैं तो हमें 10 घंटे पढ़ के भी लगता है कम। इसलिए मैंने इस बार सभी ऑनलाइन स्टूडेंट को ये बोला है कि आप चाहें तो, अगर आपकी घर पे उस ढंग से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो जस्ट 1 वीक यहाँ पर आए और अपना एक्सपीरियंस लें और किस ढंग से पढ़ना है, क्या क्या चेंजेस लाना चाहिए, वो सब जाने। तो ये यासीन बच्चा एक नागपुर से आया हुआ है और इसने ऑनलाइन कोर्स लिया था, ये कल जाने भी वाला है टेस्ट के बाद। तो मैं चाहूंगा कि आप यासीन अपना एक्सपीरियंस शेयर करें बच्चों के साथ, कैसे जुड़े हैं और यहाँ आने के बाद आपको क्या क्या डिफरेंस फील हुआ। हेलो, मेरा नाम मोहम्मद यासीन है। मैंने सर का निमसेट के वीडियोस मैंने सेकेंड ईयर से देखना चालू कर रहे थे बीसीए के। मेरा अभी बीसीए हो चुका है, मैं अभी एक ड्रॉपर हूँ। तो सेकेंड ईयर में जब मुझे सर का पता चला तो मुझे ये तो पता था कि सर वीडियोस देते हैं, पर मैंने उस टाइम वीडियोस नहीं लिए, मैंने उस टाइम सर के नोट्स लिए। और जब थर्ड ईयर में आया तब तक मेरा बीसीए में मुझे थोड़ा सा टफ जा रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि निमसेट में बीसीए के साथ नहीं करूँगा, मैं अलग से करूँगा। तो फिर मैंने अभी बीसीए, क्योंकि मेरा कॉलेज वहां पर था इसीलिए मैंने बीसीए पहले पूरा कंप्लीट किया, और अभी मैं थर्ड ईयर खत्म हो चुका है मेरा। अभी रिजल्ट आया है और मैंने अभी सर की ट्यूशन यहाँ पे ऑनलाइन से ज्वाइन की थी। और मैं जो यहाँ पर आकर मुझे क्या फर्क लगा, घर पे मैं कैसे पढ़ता था ये मैं आपको बताता हूँ। जब मैं घर पे पढ़ता था तो सबसे पहली बात ये थी कि जैसे सर ने बताया कि हमको लगता है बहुत ज्यादा पढ़ते हैं हम, ऐसा लगता है, पर ऐसा नहीं है। ये बात यहाँ पे मैंने मतलब बहुत ज्यादा नोटिस की, क्योंकि यहाँ पे बच्चे 12 से 14 घंटे बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं लगातार एक ही जगह कंसिस्टेंस बैठकर। और ये चीज मैंने देखी जो मैंने कभी नोटिस सोचा भी नहीं था कि मैं इतना बैठूंगा, लेकिन जब यहाँ पर आप अपना यहाँ पे जब मैं आया तो मैंने देखा कि बच्चे 14-14 घंटे बैठते हैं, तो ये चीज मुझे नोटिस हुई कि नहीं अपन बहुत कम पढ़ते हैं बाकी के हिसाब से। दूसरी चीज जो मैंने देखी यहाँ पर के मुझे ये नहीं पता था घर पे कि बच्चे यहाँ पे क्या क्या पढ़ते हैं, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी अगर चैप्टर है, जब वो चैप्टर मैंने घर पे पढ़ा था तो मैंने सिर्फ और सिर्फ सर ने जो वीडियो में पढ़ा था वो पढ़ा था, और फिर मैंने एरलेस उठा ली थी, ये मैंने गलत किया था। जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने देखा कि बच्चे यहाँ पे 9th और 10th तक की आरडी शर्मा को, और खासतौर पर एनसीईआरटी को सबसे ज्यादा अच्छे से पढ़ते हैं यहाँ पे 9th और 10th की, क्योंकि उसमें जो होता है वो 11th 12th में आने वाला बेसिक होता है। तो यहाँ पे मैंने चीज से किया और चीज से फर्क भी पड़ा जब मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी पढ़ी 9th और 10th की, उसके बाद फिर मैंने इस बार मैंने एरलेस उठाई, तो इस बार मुझे बहुत फर्क पड़ा। इस बार मेरे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही आए, मैंने एयरलेस के जो ऑर्डिनरी थिंकिंग के क्वेश्चन थे मैंने उसमें मतलब मेरे 90% क्वेश्चन सॉल्व हुए, और 10% में कुछ ऐसे थे जिनमें साइन थीटा और दूसरे चैप्टर्स का बेसिक था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि उसी क्वेश्चन में उतने ही क्वेश्चन पहले मुझे 100 में से सिर्फ 20 या 30 बनते थे, लेकिन जब मैंने 9th और 10th की एनसीईआरटी पढ़ी और सर ने जैसे बताया कि एक क्वेश्चन को कम से कम 5 बार करो, तो मैंने वो भी किया, उसके बाद मुझे यहाँ पे सही में चेंजेस देखने को मिला। तो मैं आप सबको ये सजेस्ट करूंगा कि आप एनसीईआरटी जरूर करें कोई भी चैप्टर की। जैसे कोई चैप्टर शुरू होता है तो सर बोलते हैं कि उस चैप्टर के साथ साथ घर पे उस टॉपिक की जो एनसीईआरटी में टॉपिक दिए हुए हैं 9th और 10th में और 8th में जो बेसिक दिए हुए उसको जरूर कंप्लीट करो। तो जैसे सर यहाँ पर पढ़ाते थे तो मैं वैसे ही घर जाकर उसका एनसीईआरटी में जितना हिस्सा है वो पूरा कवर करता था, और उसके एनसीईआरटी में खास बात यह है उसमें 20-20 और 12-12 क्वेश्चन दिए हुए, ये बहुत अच्छी बात है। तो उसमें फैक्टराइजेशन के जो क्वेश्चन है वो 12-12 और 20-20 दिए, उसमें अच्छी बात ये हुई कि मुझे हर तरीके के फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन देखने को मिल गए। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो मेरे से सीनियर है या फिर जो मेरे साथ पढ़ रहे हैं उनसे मैंने ये टिप्स ली कि उन्होंने मुझे बताया कि एक क्वेश्चन पेपर में उन्होंने जो सॉल्व किया वो सॉल्व करने में उन्हें 5 मिनट लगे, जैसे कि अगर मान लेते हैं हम, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि ये क्वेश्चन 5 मिनट में उनसे हुआ है, लेकिन उन्होंने पेपर में सही करने के बाद भी घर पे आके उन्होंने उसी 5 मिनट को 5 बार और करा। मैंने उनसे रीजन पूछा तो उन्होंने कहा कि क्वेश्चन 5 मिनट में होने से ज्यादा बेटर हो और कम मिनट में हो और आंसर भी सही आए। तो उन्होंने एक ही क्वेश्चन को 6 बार लिखा था वो भैया ने, जिनसे मैंने उनसे पूछा था, और उन्होंने इसमें डिफरेंस ये था कि उन्होंने हर पर क्वेश्चन को एक छोटा छोटा किया था, उन्होंने हर बार स्टेप्स को मिनिमाइज की थी। और ये चीज उन्होंने मुझे भी करने के लिए कहा था कि हर क्वेश्चन हर टाइप के क्वेश्चन में ये जरूर देखना कि तुम कितनी स्टेप्स माइनस कर सकते हो। और यहाँ पे शिवम भैया ने मुझे ये बताया कि कभी भी एयरलेस सॉल्व करते समय जो चीज सबसे ज्यादा मैंने फेस किया घर पे वो ये कि मैं बहुत जल्दी नर्वस होता था। जब मैं देखता था कि मेरे 100 में से 10 या 20 ही बन रहे मैं बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाता था और पढ़ना छोड़ देता था, एयरलेस में रख देता था और सो जाता था। पर यहाँ पे मैंने ऐसा नहीं किया, यहाँ पर मैं जब मैंने देखा कि सब बच्चे सॉल्व कर रहे हैं
हालांकि किसी किसी के तो मुझसे भी कम बनते थे, पर फिर भी वो पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो मैंने पे एयरलेस के मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और सर ने मुझे बात बताई थी कि कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं आता तो सीधा आके डाउट नहीं पूछना चाहिए। और मैंने वो चीज यहाँ पर भी की, मैंने सर से सीधा डाउट नहीं पूछा, उसी क्वेश्चन को मैंने 6 बार करा। और ये चीज मेरे को भी देख के हैरत हुई कि मेरी कहीं ना कहीं मुझे माइनस प्लस की गलती दिखी या फिर मेरा कोई कंसेप्ट या कोई मेरा फॉर्मूला गलत था जिसकी वजह से मेरा आंसर गलत आ रहा था। तो फिर मेरे जो 20 में से मेरे को जो 100 में से 20 आते थे फिर मेरे को 100 में से 40 होने लगे। फिर मैंने और वो एयरलेस फिर से सॉल्व की। तो ऐसे करते करते मेरे को आज एयरलेस में से कम मीन्स 75 से 80 क्वेश्चन मेरे बन जाते ऑर्डिनरी थिंकिंग के। और क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो अभी भी मुझसे नहीं बन रहे, पर मुझे शिवम भैया ने अभी भी कहा कि हालांकि तुम्हारे क्रिटिकल थिंकिंग के कितने भी कम बन रहे उस पर ध्यान मत दो, उसको बार बार सॉल्व करते रहो, बार बार सॉल्व करते रहो। एक बार ऐसा जरूर आएगा कि तुमको ज्यादा से ज्यादा बनेंगे। और हर क्वेश्चन का अगर उन्होंने ये भी कहा कि जितने टाइप के क्वेश्चन तुम फेस कर रहे हो एयरलेस में, हर टाइप के एक एक क्वेश्चन को एक कॉपी में अलग से लिख लो। उससे क्या होगा कि हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि हम पूरे एयरलेस सॉल्व कर पाए, लेकिन ये पॉसिबल जरूर होता है कि हम रिवाइज कर सके हर टाइप के क्वेश्चन को। तो उनके कहने पर मैंने एक बुक बनाई और उस बुक में अलग अलग एयरलेस के हर टाइप के क्वेश्चन लिख लिया करता था, क्योंकि एयरलेस में एक क्वेश्चन एक टाइप के क्वेश्चन में कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन बनाए गए हैं सिर्फ वैल्यूज बदल के। तो मैंने हर एक क्वेश्चन के टाइप को लिख लिया, जिससे अब भैया ने मुझे कहा कि इसका एडवांटेज ये होगा कि तुम अभी चैप्टर जब तुम पढ़ लोगे, तो जब 32 से 30 चैप्टर हमें अभी पढ़ने हैं, जब इतने सारे चैप्टर हो जाएंगे तो रिवाइज करना इतने सारे चैप्टर को मुश्किल होता है। तो बुक से क्या होगा, तुम शॉर्ट ट्रिक तरीके से इस हर टाइप के क्वेश्चन को एक बार देख लो कि किस तरीके से सॉल्व होते हैं, क्योंकि चैप्टर अभी जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू में हो गया, लेकिन जब अभी 1 साल तक उस चैप्टर को हमें उसी तरीके से याद रखना है, क्योंकि अभी तो उसमें से एयरलेस में से मेरे से अच्छे खासे बन जाते हैं, लेकिन यही चीज मेरी 1 साल बाद होंगी क्या नहीं ये मैं अभी नहीं बता सकता। तो इसको उन्होंने इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि तुम इस टाइप के क्वेश्चन को रिवाइज करते रहा करो। जैसे जैसे तुम रिवाइज करते रहोगे तुमको क्वेश्चन के टाइप फिर तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएंगे, फिर तुमको एक टाइम आएगा कि तुम रिवाइज भी नहीं करोगे और तुम सॉल्व कर सकते हो। तो मुझे यहाँ पे ये पता चला कि कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, क्योंकि हार्ड से हार्ड क्वेश्चन हो मैं उसका सोल्यूशन मुझे नहीं भी समझ में आता था तो भी मैं समझने की कोशिश करता था एयरलेस में जो पीछे सोल्यूशन दिए रहते, पर कभी कभी वो नहीं सर्च कर लेता था या फिर ऐसे डाउट पूछ लेता था। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मैं बस इतना ही एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता था और ये बेस्ट एक्सपीरियंस है जो मैंने आज तक शेयर किया और ये सबसे बड़ा डिफरेंस है जो मैंने घर में यहाँ पर फेस। देखिए जैसे अभी बच्चे ने बताया यासीन ने, अब एक कुछ चीजें समझने, सेकंड ईयर में इसने टेस्ट सीरीज के लिए वर्क किया, फाइनल में इसको लगा कि शायद नहीं कर पाऊंगा, पर ये डिसीजन इसका गलत था, इसने मुझे भी बोला अगर ये फाइनल में ही ये काम करता तो शायद निकाल लेता। पर एनीवे, तो आप सब ऑनलाइन तो मैं एक मैसेज बहुत क्लियरली देना चाहता हूँ इन बच्चों के, आपको रेगुलर अब आते जा रहे हैं बच्चे तो मैं आपको मिलवाऊंगा और इनके एक्सपीरियंस शेयर करने के, तो भी ऑनलाइन बच्चा जोड़ा आज मैं आप सबको बोलूंगा अगर आप एक हफ्ते आ सकते हैं ओके, नहीं आ सकते तो भी परेशानी की बात नहीं, बस पढ़ने के पैटर्न को बदलो। मैंने आपको अभी जैसे जुलाई सेशन जब डाला था एक चीज बोलूंगा कि बेस प्रिपरेशन पे जाना है, यानी 9th 10th उसको करेंगे और वो आपको खुद भी बनेगा उसमें, ये बच्चे अपने आप ही कर रहे हैं पर बनेगा। तो एनसीईआरटी की बुक लो फिर 11th पे जाओ, डायरेक्ट गाइड तो प्रॉब्लम आएगी। पहले क्या मिस्टेक होती थी, डायरेक्ट गाइड सॉल्व कर रहे हैं बनते ही नहीं थे, कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, फिर ऐसा लगता था क्या होगा, पर यहां आने के बाद समझ में आया कि नहीं गाइड सबसे आखिरी स्टेप है, नहीं भी करोगे गाइड तो फर्क नहीं पड़ेगा, पहली स्टेप है कि बेसिक बनाना, यानी 9th 10th को अच्छे से कवर करो फिर 11th के टॉपिक को करो। अभी इसने अभी 1 वीक के लिए आया तो क्वांटिटेटिव ही पढ़ा यहां पर, तो ये एक चीज इसका एक्सपीरियंस है लाइफ का। तो मैं आप सबको एक बात बोलूंगा और सबसे अच्छी बात है कि आज फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर जुड़े हुए मैं आप लोगों के लिए सेशन लेने वाला, आप में को मैंने कमिट किया है कि 21 और 20 कैसे पढ़ना है वो भी मैं बताऊंगा। तो यासीन अब आपने यहां समझ लिया कैसे पढ़ना है, तो अब आप घर पे भी इसी पैटर्न पे ही पढ़ाई करेंगे और इसी ढंग से अपने आप को मान बांध के रखेंगे, है ना। चलो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, और मैं बिल्कुल श्योर हूं कि जैसे मैंने लास्ट में पहले और बाद में सिलेक्शन के बाद, ऐसे ही ये बच्चे को मैं आपके बाद फिर से मिलवाऊंगा सिलेक्शन के बाद। ऑल द बेस्ट।